हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ तंदूरी रोटी की एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। खाने में बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार, परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज मैं शेयर करूँगी। इसे आप एक बार बनाओगे तो ऐसा लगेगा कि बार बार इसे बनाया जाए, इतना टेस्टी ये बनता है। तो बहुत ही सॉफ्ट मुलायम आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो आज हम होटल से भी बेहतरीन और नरम मुलायम ये तंदूरी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा यानी ऑल पर्पस फ्लार। इसको मैं एक छन्नी में डालकर इस तरह से छान लेंगे ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। छानना बहुत ज़रूरी है। तो इसे छानने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 1 चम्मच चीनी यानी शुगर और 1/2 चम्मच ऐड कर देंगे नमक। और अब इसे हम मिला लेंगे हाथों की मदद से अच्छी तरीके से। उसके बाद ऐड कर लेंगे यहाँ पर ईस्ट। तो ड्राई ईस्ट मैंने लिया है, ये एक्टिव ईस्ट होता है। तो 1 चम्मच इसमें से ऐड कर लेंगे। इसे भी मिला लेना है हाथों से अच्छी तरीके से। इसे मैंने अमेज़ोन से बाय किया था, अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड कर लेंगे 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल। तो सरसों का तेल ऐड नहीं करना है, ना कोई खुशबू वाला तेल। मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो इसे सानने के लिए मैंने नीम गरम पानी लिया है और पानी को थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसका आटा लगा लेंगे और इसको अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। तो जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उस तरह का नहीं, थोड़ा सा उससे नरम आटा हमें लगाकर इसको तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस तरह से हमें गूंद लेना है और इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से मसल लेना है, जब तक ये बर्तन ना छोड़ दे। तो ये देखिए, मैंने इसे मसल कर अच्छी तरीके से चिकना कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसको हम रख देंगे 2 घंटे के लिए ताकि ये राइस हो जाए। और हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर इसको ऊपर से ग्रीस कर लेंगे ताकि ये ड्राई ना रहे। और इसको हमने सॉफ्ट इसलिए गूंदा है ताकि ये राइस अच्छी तरीके से हो जाए। अब इसे ढककर 2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो 2 घंटा हो गया है, देख सकते हैं हमारा आटा बहुत अच्छी तरीके से राइस हो गया है। और इसके एयर को अच्छी तरीके से हम निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए, सारा एयर मैंने निकाल लिया है। अब इसको और 2 से 3 मिनट मसल लेंगे। अब इसमें से मीडियम साइज़ के लोई निकाल लेंगे। तंदूरी रोटी थोड़ी मोटी बनती है, इसलिए लोई हम थोड़ी बड़ी बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से 1 लोई निकाल लेंगे और बाकी के जो आटा है उसे हम ढक देंगे। तो इस तरह से डस्ट कर लेना है मैदे को और बेलन से ओवल शेप में या फिर गोल शेप में, आपको जो शेप में चाहिए उसे इस तरह से बेल लेंगे। तो अगर आप मैदे को आटे की तरह गूंदेंगे सख्त, तो इसे बेलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और ये रबड़ की तरह सिकुड़ने लगेगा। तो इस तरह से बेलते हुए मैंने इसे ओवल शेप में बेल लिया है और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं रोटी से थोड़ी मोटी है। अब इस पर मैं डाल रही हूँ कलौंजी और थोड़ा सा हरा धनिया और उसके बाद बेलन से इसे प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। इससे हमारा नान दिखने में भी अच्छा दिखेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से मैंने चिपका लिया है। अब इसको पलट लेंगे और इसके पीछे साइड हम पानी लगा लेंगे। आप इसे लगाने के लिए ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाथों से ईजीली और अच्छी तरीके से जल्दी लग जाता है, तो मैं हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। तो अब उसको उठा लेंगे, जिस साइड से पानी नहीं लगा है उस साइड में कपड़ा लगा लेंगे और इस तरह से हम इसको डाल लेंगे। तो देखिए, एकदम आसानी से और अच्छी तरीके से लग जाते हैं। और ये एक साइड से जब पक जाए तब हम इसे सेक लेंगे। तो ये इतना मुलायम है कि ये तवा छोड़ रहा था, तो इसलिए मैंने चिमटा ले लिया है और चिमटे से इसको सभी तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेंगे इस तरह से, जब तक इसमें ब्राउन वाले चिट्टे ना आ जाए सभी तरफ। तो मैंने सभी तंदूरी रोटी को बनाकर सेक लिया है और ये तैयार है हमारी सॉफ्ट मुलायम तंदूरी रोटी, देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आप इसे सर्व कर सकते हो सभी तरह के सालन और ग्रेवी के साथ। तो इतनी रोटियां मैंने बनाकर तैयार कर ली है, देख सकते हैं आप, बहुत ही मज़ेदार, होटल से भी अच्छा घर में। तो आज की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करना ना भूले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।